भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो उससे ही वास्तु पुरुष उत्पन्न होकर जमीन पर गिरा। वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वास्तु शास्त्र की रचना की गई। वास्तु पुरुष का असर सभी दिशाओं में रहता है। इसके बाद वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियम बनाए, जिनके अनुसार कोई भी मकान या इमारत बनाई जाती है। इसके बाद भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक हर मौके पर वास्तु पुरुष की पूजा का महत्व है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चार दिशाओं के अलावा चार विदिशाएं हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें स्वरूप को शामिल किया गया है। इस चार प्रकार की दिशा और चार विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की कुल संख्या 10 मानी गई है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य है। जी हाँ, इन्हें विदिशा कहा गया है। वैदिक वास्तुकला के नियमों और निर्देशों का पालन करके वास्तुकला के कार्यक्रम में आपूर्ति और आयाम की स्थापना की जाती है, जो एक सुखी और समृद्ध आवास का सृजन करती है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले शास्त्र के नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो इससे आप घर में सुख समृद्धि को देख सकते हैं। घर के मंदिर में भी वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बना रहता है। वास्तु में मंदिर के लिए घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, सबसे बेहतर माना गया है। साथ ही मंदिर का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के अनुसार ये कोना बेहद ही शुभ होता है, इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। साथ ही मंदिर का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, इससे घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास बना रहता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर कभी भी बेडरूम या फिर बाथरूम के पास नहीं होना चाहिए, वरना आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपके घर में नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं घर के मंदिर में साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां हम भगवान को स्थापित करते हैं। जहां भगवान रहते हैं वहां गंदगी कभी नहीं फैलानी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर का सीधे फर्श पर रखना उचित नहीं होता है। ऐसे में इसे थोड़ी ऊंचाई पर किसी मेज या फिर स्टैंड पर आप रख सकते हैं। साथ ही आपका मंदिर हवादार होना चाहिए और उसमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहीं मंदिर शांत जगह पर होना चाहिए, जिससे पवित्रता बनाए रखने में आपको मदद मिल सके। वहीं घर में लकड़ी या फिर संगमरमर का मंदिर बनवाना बेहद शुभ माना जाता है। अपने मंदिर में जितना हो सके सफ़ेद, क्रीम या हल्के पीले रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें और गहरे रंगों के प्रयोग से बचाव करें। आप अपने मंदिर में घंटी भी लगा सकते हैं। साथ ही घर के मंदिर में मंगल कलश और गंगा जल रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।